You are watching NTTV News, News Telangana Television. इंडिया अगेंस्ट CAA NRC NPR का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों के देश भर में बनी है नौजवानों का जो हमारे एकता के लिए उसके संदर्भ में हम लोगों ने 3 मार्च को यंग इंडिया का हुंकार नो टू CAA NRC NPR का दिल्ली चलो का कॉल दिए हैं। देश भर में हर जगह जाके लोगों से हम संविधान के पक्ष में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके पक्ष में गोलबंदी करते हुए दिल्ली चलने का प्लान लिए हैं। ये जो सरकार ने CAA NRC NPR को लागू किया ये तो बेहतरीन बात है कि पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है जो जनता सरकार को सिलेक्ट कर इलेक्ट करता था, हम लोग इलेक्ट करके उनको चुनते थे, उल्टा सरकार अब कह रहा है चुनने के बाद हम आपको सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन से सिलेक्शन मॉडल में सरकार जा रही है, हम अपने वोटर को करेंगे। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये देश, ये संविधान और ये लोकतंत्र चलाने वाले लोग, नेता हम भारत के लोग हैं। संविधान के जो 3 पंक्ति है हम भारत के लोग, उन्होंने संविधान दिया उसके आधार पर सरकार आई। अब सरकार पलट के कह रहा है नहीं नहीं आप भारत के लोग नहीं हो, आप कौन भारत के लोग होंगे हम सेलेक्ट करके बताएंगे। ये खतरनाक है और हम मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं सवाल के रूप में। आप तो CAA को लागू किया इस बात को लेते हुए आप हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा जो हिंदू पीड़ित है या सबसे ज़्यादा वंचित है 2 देशों में, नेपाल और श्रीलंका, उसको क्यों नहीं आपने इसमें चुना? क्यों जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पीड़ित है चाइना में, उस चाइना को क्यों आपने शामिल नहीं किया? इसका मतलब आप हिंदुओं को फ़ायदा भी करना नहीं चाहते हैं। मुसलमानों से जुड़ तो बोल ही रहे हो, देश के तमाम लोगों से जुड़ तो बोल ही रहे हो, और जिन हिंदुओं के लिए आप अपना राजनीति भी चमकाना चाहते हैं उनसे भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी राजनीति ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, आपका हिंदुत्व का है, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करने में आगे बढ़े हुए। और ये बात इस देश का नौजवान समझ रहा है, इस देश का यंग इंडिया समझ रहा है, इसीलिए वो आगे रह के अपना जज्बे को, इस देश के प्रेम को आगे जता रहा है। हम कोई डिसेंट नहीं कर रहे ना हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, हम हमारे संविधान के पक्ष में खड़े हैं। अगर कोई इसका विरोध में खड़ा है संविधान के विरोध में वो मोदी शाह है। सर जिस तरीके से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरफ क्लियर कट है कि हम वापस नहीं लेंगे और हमारा जो स्टैंड है क्लियर, तो आगे आप लोग का क्या प्लान रहेगा, इसके कैसा आगे आप सोचते हैं कि कैसा होगा? 200 साल लड़के हम लोगों ने हमारा संविधान को हासिल किया, इनके डराने धमकाने से उस आंदोलन को, उस भगत सिंह अम्बेडकर और गांधी के विरासत को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मैं अभी अपने सभा में भी बोल रहा था, इस देश में कोई रहा नहीं था, मुसलमान इस देश के हकदार था, आज़ादी के लड़ाई में उनकी जो खून है उसके खून उसके मिट्टी से उसके मिट्टी शामिल है इसके हिंदुस्तान में, और किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी अमित शाह के बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये कि वो तय करेगा कि कौन रहेगा। और उस आज़ादी के आंदोलन के उसूलों को दोबारा जनता के बीच में हम लोग यंग इंडिया की तरफ से ले जाएंगे, एक एक जगह पे हम लोग ले जाएंगे। इसके बाद तमाम जगह से चलो दिल्ली का 3 मार्च का कॉल को हम लोग व्यापक तरीके से 1 लाख लोगों को कम से कम दिल्ली में हम लोग संविधान के पक्ष में 3 मार्च को जुलूस करेंगे।